चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एनएमसी ने 2024 के लिए यानी कि जो नीट की एग्जाम लगने वाली है 2024 में, उसके बारे में सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। ये हर साल एनएमसी द्वारा सिलेबस डिक्लेयर किया जाता है, ये एडवांस में ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जब एनटीए का इंफॉर्मेशन ब्राउचर आता है उसके अंदर ये सारा का सारा सिलेबस रिपीट होता है। तो 2024 का जो एग्जाम होना है 5 मई 2024 को, उसके लिए ये सिलेबस डिक्लेयर हो चुका है। अभी इसमें कुछ पोर्शन डिलीट किए हैं, फिजिक्स का तो कोई पोर्शन डिलीट नहीं किया है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ पोर्शन डिलीट किए हैं, तो उसके बारे में आपने देख लिया होगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसकी न्यूज आपने सुन ली होगी, देख भी लिया होगा कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और काफी बच्चे इससे खुश भी हो रहे होंगे। मैं हमेशा आपको फैक्ट बताता हूं, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये सिलेबस आपके अकेले के लिए डिलीट नहीं हुआ है। इसमें जो पोर्शन डिलीट हुए हैं इस सिलेबस में, वो आपके अकेले के लिए नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का लगता है कि 9 टॉपिक्स डिलीट हो गए, बायो का देखते हैं 7 टॉपिक्स डिलीट हो गए, तो इसमें ज्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो बात बोलता हूं बिल्कुल एक्यूरेट ही बोलता हूं। खुशी इसलिए मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए रिड्यूस नहीं हुआ है, ये बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी रिड्यूस हुआ है, तो इसमें गुड न्यूज जैसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इन 2-3 साल के अंदर कट ऑफ काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, हालांकि इसमें एआर बेस्ड भी क्वेश्चन आने लग गए एग्जाम में, और पेपर इस बार जैसे 2023 का ही अगर हम देखते हैं तो 2023 का पेपर तो टफ था, हम सोच रहे थे कट ऑफ डाउन चली जाएगी, उसके बाद भी कट ऑफ आई रही है। तो पेपर चाहे कितना भी टफ हो, कोई सा सब्जेक्ट कितना भी, फिजिक्स कितने भी टफ हो, बायो कितने भी टफ हो, लेकिन कट ऑफ ज्यादा ही रहती है, ये फैक्ट है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूं कि आप भी ये देख चुके हैं पिछले 2-3 साल से। पहले मैं आपको इसका रीजन बता दूं कि ये क्यों हो रही है, इतने 2-3 सालों से इतने कट ऑफ इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो इतना भी डाउन नहीं है कि हर एक बच्चा इसको तुरंत ही हल कर लेगा, तुरंत ही सॉल्व कर लेगा, इतना भी नहीं है। पेपर का जो स्टैंडर्ड है इतना भी डाउन नहीं है, हालांकि डाउन तो हुआ है लेकिन इतना डाउन नहीं हुआ है कि जितनी एकदम से कट ऑफ बढ़ जाए। लेकिन इसका रीजन सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासे हैं, यानी पहले जो ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी उसमें वही स्टूडेंट जा पाते थे जिनके पास में ये सुविधाएं हों, फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि इसमें 3-4 साल लग जाते हैं, ड्रॉप लगते हैं इसमें, तो वही बच्चे जा पाते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन में इतने सस्ते सस्ते कोर्स आ गए कि हर कोई इसको अफोर्ड कर लेता है, घर बैठे हर कोई क्लासें ले लेता है, उसके लिए ज्यादा फाइनेंशियल की भी जरूरत नहीं है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये पूरा भारत है, इस भारत के अंदर ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको मौका नहीं मिलता था, वो उजागर नहीं हो पाती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन होने से ये सारा मौका मिल रहा है। एक घर बैठे स्टूडेंट भी अच्छी तैयारी कर रहा है, और वो अच्छी तैयारी कर रहा है इसका मतलब वो अच्छी तैयारी करेगा तो उसमें अच्छी प्रतिभा है, तो वो अच्छा स्कोर भी खड़ा करेगा, पहले ऐसा होता नहीं था। तो इन जो 3-4 साल से है वो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाने का यही रीजन है, क्योंकि पहले 536, 562, 510, 582 यही कट ऑफ रहा करती थी, लेकिन आजकल एकदम से कट ऑफ इंक्रीज हो चुकी है। ये इसलिए इंक्रीज हो गई है क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ये जो सिलेबस रिड्यूस, मेरा इतना सब कुछ आपको बताने का मकसद यही था कि ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसमें आपको खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, इसमें ऐसे प्रतिभा वाले बच्चे भी आएंगे जो आपसे अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, इसलिए आपको अच्छी स्टडी करना है। ये सिलेबस डिक्लेयर होने के बाद आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी है, आप ये सोचो सिलेबस कम हो गया, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है, गुड न्यूज कोई नहीं है, इसमें आपको मेहनत करना ही करना है, और मेहनत भी ज्यादा करनी है। तो ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ इसमें इतना ज्यादा रिड्यूस भी नहीं हुआ है, जो कुछ टॉपिक से रिड्यूस हुए हैं ये आप देख रहे हैं, सिलेबस आप यहां देख रहे हैं,
इसमें एनएमसी की वेबसाइट पर भी ये सिलेबस पड़ा हुआ है। हालांकि एनएमसी की वेबसाइट 2 दिन से चल नहीं रही थी, रात को ही अच्छी काम करती है लेकिन ये दिन में अच्छी तरह से फंक्शनल नहीं हो रही है इसकी वेबसाइट। तो आप ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा सिलेबस दिया हुआ है, 24 के लिए दिया हुआ है, नीट 24 का सिलेबस है, फिजिक्स के लिए दिया हुआ है, इसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं फिजिक्स के कि ये सिलेबस आएगा इसमें। अभी इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है, केमिस्ट्री से भी 9 टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हटाए गए हैं। और इसमें बायो का भी ये सिलेबस दिया गया है, तो बायो में भी आपके 7 टॉपिक्स हटाए गए हैं इसमें। तो ये आप देख सकते हैं टॉपिक्स हटाए हुए, बायोलॉजी में 7 सॉरी केमिस्ट्री में 9 टॉपिक्स हटाए हैं और बायोलॉजी में 7 टॉपिक्स हटाए हैं, फिजिक्स में कोई चेंजेस नहीं है। अब इसमें जो ये नया सिलेबस आया है, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में भी कुछ सिलेबस है जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी की वो टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे जो इस सिलेबस में है, वो ओल्ड एनसीईआरटी से आपको कवर करने हैं। न्यू एनसीईआरटी भी आपको परचेज करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें काफी सारे जो टॉपिक्स हैं इस सिलेबस के अंदर, काफी सारे टॉपिक्स हैं वो न्यू एनसीईआरटी से हैं और ओल्ड एनसीईआरटी से भी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बायोलॉजी के जो न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है और ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो वो आपको एक्स्ट्रा से उनकी प्रिपरेशन करनी है। वो आप अगर ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं तो वहां से आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, या फिर ऑफलाइन में, या फिर आप अगर ये दोनों प्रकार की नहीं ले रहे, आप अपने तरफ से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यूट्यूब वगैरह पर इस प्रकार के काफी सारे क्लासें पड़ी हुई, चैप्टर्स पड़े हुए हैं, तो वो सारे आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो का मेरा ये बनाने का मकसद यही है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये सिलेबस में इतना हटा दिया है, ये आपके लिए अच्छा है, ये गुड न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस आप इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, लेकिन आपको अभी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है और कंपटीशन बढ़ने का रीजन मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन सिस्टम जब से हुआ है तब से ये कंपटीशन काफी बड़ा है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि ये कट ऑफ आगे ही जाती रहेगी, नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। इस बार की जो कट ऑफ रही है 610 रही है, तो आप 610 से नीचे का एवरेज लेके मत चलिए, इससे ऊपर का ही आपको एवरेज लेके चलना है इसमें। तो ये जानकारी थी सिलेबस के बारे में और आपको एक स्पेशली यही जानकारी देनी थी कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी है ये सिलेबस डिक्लेयर होने के बाद। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं, मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं जो रिलेटेड होती है नीट एग्जाम के और काउंसलिंग के। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।